बहुत दुख हुआ था, आहत पहुंचा था बिल्किस बानो के जब 11 बलात्कारियों को ये बोलकर छुड़वा देती है सरकार की। उनके जो चाल और चरित्र बहुत अच्छे थे। नरेंद्र मोदी जी एकदम गलत बोल रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक तरफ आप नारा लगा रहे हैं और दूसरे तरफ 11 बलात्कारियों को छोड़ दिया जा रहा है। कुछ गोदी मीडिया जो एंकर्स है सिर्फ चरण चुंबक बने हुए है, तलवे चाट रहे हैं सरकार के हाँ में हाँ मिला रहे, मणिपुर पर मुंह नहीं खोलते, नूह से लेकर मणिपुर तक जला कर रख देते। तो जो ये बोलता है उससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं है, ठीक है। जो बोलता है कि भगवान के घर का स्थापना, भगवान सर्वशक्तिमान है, वो हमें स्थापित करता है। बहुत अफसोस की बात है, युवाओं का भविष्य अंधकार में है, महिला सुरक्षित नहीं है, देश की बेटियों का सम्मान नहीं हो रहा है, किसान दुखी है, नौजवान दुखी है। ईवीएम को हटाइए ना, बैलेट पेपर से चुनाव कीजिए, सब पता चल जाएगा, 400 पार या 40 पार। जिन 11 दोषियों को 2022 में गुजरात की बीजेपी सरकार ने छोड़ा था और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्किस बानो के जो 11 दोषी हैं उन सबको फिर से जेल में भेजा जाए और आजीवन कारावास की सजा सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हो रही है। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता जेबा खान जी, कैसे देखती हैं मैडम आज सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं इंसाफ मिला है बिल्किस बानो को? बिल्कुल, हम स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखते हुए एक उम्मीद की किरण जागी है कि सुप्रीम कोर्ट की नज़र ऐसे दोषियों पर है और महिलाओं के जो मामले को सुप्रीम कोर्ट गंभीरता से ले रही है। और बहुत दुख हुआ था, आहत पहुंचा था बिल्किस बानो के जब 11 बलात्कारियों को ये बोलकर छुड़वा देती है सरकार की। उनके जो चाल और चरित्र बहुत अच्छे थे, मतलब एक सॉफ्ट करने वाला के बलात्कारियों का चाल और चरित्र अच्छा था बोलकर, तो मतलब आप देखिए कि भाजपा सरकार में बेटियां कहाँ सुरक्षित है। ये सरकार की मानसिकता देखिए कि जो हमारी बेटियां, जो देश की पहलवान बेटियों को जंतर मंतर से उठाकर फेंक दिया जाता है। बृजभूषण सिंह अब तक सांसद में पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और जो देश की लड़ाई लड़ने वाले पार्लियामेंटेरियन हैं, जो आवाज उठाते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, उनको हटा दिया जाता है, उनकी सदस्यता को छीन ली जाती है, उनको हटाकर सारे जो भी कानून ला दिए जाते हैं, नए नए कानून। लेकिन नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं का सम्मान हो रहा है उनकी सरकार में। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी एकदम गलत बोल रहे हैं। आज पूरा देश देख रहा है कि भाजपा सरकार में महिलाओं का कितना अपमान हो रहा है, सम्मान नहीं, और महिलाएं कितनी असुरक्षित है भाजपा सरकार में। और भाजपा के अभी आपको ये भी जो बनारस यूनिवर्सिटी में किस तरह गैंगरेप होता है और तीनों के तीनों लड़के भाजपा के बड़े लीडर्स के साथ उनकी तस्वीरें हैं और कनेक्ट है, तो देखिए ये भाजपा का कथनी और करनी में फर्क है। ये कहती कुछ है करती कुछ और है। बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ दिया जाता है, हाथरस की बेटियां मनीषा वाल्मीकि के बलात्कारियों के साथ कुछ नहीं होता और बेचारी बच्ची के शव को आधी रात में अंतिम संस्कार किया जाता है पेट्रोल डालकर। तो इसी तरह आप देश में कहाँ देखेंगे आशिया कठुआ की बेटी, उन्नाव की बेटी, हाथरस की बेटी, दिल्ली कैंट की घटना, बिल्किस बानो पूरे देश में। और अब तो मतलब पहलवान जो बहनें हैं उनकी बारी, तो हर किसी का नंबर आ रहा है, किसी को ये सरकार नहीं छोड़ रही है। सदी का सबसे बड़ा जुमला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबसे बड़ा झूठ है। बेटियों को पढ़ाइए ज़रूर, लेकिन बचा के इन भाजपा के गुंडों के नज़र से, भाजपा के लीडर्स के नज़र से बचा कर रखिए, क्योंकि ये खतरा है इस पूरे पार्टी में। इनकी विचारधारा महिलाओं को बचाना नहीं, महिलाओं को शोषित करना है, महिलाओं को प्रताड़ित करना है, महिलाओं को छल करना है, छलावा करना है और धोखा देना है। क्या नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं, क्योंकि वही कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आप कह रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक तरफ आप नारा लगा रहे हैं और दूसरे तरफ 11 बलात्कारियों को छोड़ दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जो बनारस यूनिवर्सिटी की बच्ची का जिसने गैंगरेप किया है, तीनों आपके पार्टी के हैं, बड़े लीडर्स के साथ उनका फोटो है, तो क्या बोलिएगा? एक मिनट, और प्रधानमंत्री जी ने बृजभूषण के साथ क्या कार्रवाई की? कुछ भी की, जहां पर समय नहीं लग रहा है, पार्लियामेंट में 146 सांसदों को बर्खास्त कर दिया जा रहा है, अविलंब बिना समय लगे और बिल पास कर दिया जा रहा है। वहां पर उस पार्लियामेंट में एक हमारी देश की पहलवान बहनों का आरोपी बैठा हुआ है, बहनों ने मेडल वापस कर दिया और
उस खेल से संन्यास ले लिया, छोड़ दिया, लेकिन ये सरकार के कान पर जूना रिंगा। लेकिन बीजेपी के नेता और तमाम जो टीवी चैनल के पत्रकार हैं तथा कथित स्टार एंकर हैं, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में आरोपी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कार्रवाई होती है। नहीं नहीं नहीं, कार्रवाई तो ये सिर्फ विपक्ष पर करते हैं, जो भी ईडी है, सीबीआई है, सिर्फ विपक्ष के सांसदों और विपक्ष के लीडर्स के घर का पता जानता है। क्या टीवी वाले झूठ बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ गोदी मीडिया जो एंकर्स है सिर्फ चरण चुंबक बने हुए हैं, तलवे चाट रहे हैं सरकार के हां में हां मिला रहे। एक मीडिया का काम होता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, उनका काम होता है कि देश की जनता के लिए बात करना, सरकार की गलतियों को उजागर करना, सरकार से सवाल करना। लेकिन आज जो देश की मीडिया है, जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, वो सिर्फ विपक्ष से सवाल करती है, कांग्रेस पार्टी से सवाल करती है, राहुल गांधी से सवाल करती है। बहुत अफसोस की मीडिया है, मनु मीडिया है, मनु मीडिया बोल सकते हैं, गोदी मीडिया बोल सकते हैं, मोदी मीडिया बोल सकते हैं, वो देश की मीडिया नहीं है, वो भाजपा युक्त मीडिया हो गई है। लेकिन वे लोग खुद को सर्टिफिकेट देते हैं कि देखिए हम लोग सच्चाई की आवाज उठाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे थे, तो मणिपुर जीता जागता उदाहरण है। कितने दिन हुए मणिपुर की बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ किस तरह का अभद्र व्यवहार किया गया, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर मां नहीं बोला, पूरा पार्लियामेंटेरियन विपक्ष एक आवाज में पूछता रहा कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर मुंह खोलिए, लेकिन मणिपुर पर मुंह नहीं खोलते हैं, नूह से लेकर मणिपुर तक जला कर रख देते हैं, पर मणिपुर पर आवाज नहीं। ये है इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन 24 में आ रहे हैं, मोदी ने सीना ठोका है। कैसे सीना ठोका है? बिना चुनाव के, बिना इलेक्शन के आप सीना कैसे ठोक सकते हैं? अभी तो जनता का मैंडेट बाकी है, यानी जनता के मैंडेट से ऊपर आपको इतना विश्वास कैसे है? यानी खेल कुछ और भी चल रहा है क्या? क्या कौन सा खेल है? सब जान रहे हैं, कौन सा बताइए कौन सा खेल है? ये पसंद करती है मोदी को? कोई जनता पसंद नहीं करती है। भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर हम चले हैं, और जनता के हर जगह जनता से हमने बात किया है। पूरा देश दुखी है, महिलाएं दुखी हैं, आप देख सकते हैं ना, ड्राइवर्स, पूरे ड्राइवर्स रोड पर, सड़कों पर उतरे हुए थे। किसान खुश नहीं है, जवान खुश नहीं है। आप पूरा बॉर्डर में पूरा सेना के साथ क्या कानून लेके आ गए? हाँ, अग्निवीर योजना। लेकिन नरेंद्र मोदी तो युग पुरुष है ना? कोई जगह नहीं आपने छोड़ा है, कोई जगह आपने नहीं छोड़ा है जो प्रताड़ित है, चाहे देश की महिलाएं, जवान हो, किसान हो और पहलवान हो, सब रो रहे हैं, सब महंगाई की मार और रो रहा है, हर कोई रो रहा। आप देखिए ना, दिल्ली के जंतर मंतर पर बेटियां रोती हुई गई हैं, उनको उठाकर फेंक दिया गया है, बेटियों को फेंक दिया गया। लखीमपुर खीरी में ये अजय मिश्रा टेनी के पुत्र ने किसानों पर पूरा थार गाड़ी चढ़ा दिया, क्या हुआ? ड्राइवर्स के लिए तो आप हिट एंड रन कानून बना देते हैं, लेकिन इसके पर इनके बेटे के लिए, भाजपा के बेटों के लिए, जो एमपी और मिनिस्टर्स के बेटों के लिए कोई कानून नहीं है क्या? ये सारे कानून सिर्फ गरीब के बच्चों के लिए है, मेहनत कश मजदूरों के लिए है। लेकिन तमाम भाजपाई कहते हैं कि रोटी मुश्किल से कमा रहे हैं, अपने घर परिवार को मुश्किल से चला रहे हैं, उनके लिए सारे कानून है। भाजपाई कहते हैं बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है, भगवान राम का मंदिर बन गया है। देखिए भगवान राम का तो वो अपमान करते हैं, भगवान राम सत्य के सत्य सिखाए हैं, महिलाओं का सम्मान सिखाए हैं, बराबरी का अधिकार सिखाए हैं। भगवान राम इस तरह जैसे ये झूठ बोलते हैं ना, झूठ का कारोबार चला रहे हैं, वो नहीं सिखाए हैं, ये भगवान राम का नाम लेकर अपनी नेतागिरी कर रहे हैं, भगवान राम के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अफसोस है कि भगवान को भी इन्होंने इस, अरे नरेंद्र मोदी पत्थर की मूर्ति में प्राण फूकेंगे, जान डालेंगे। देखिए भगवान को कोई बना नहीं सकता है, भगवान इंसान को बनाता है, भगवान सर्वशक्तिमान होता है, ईश्वर भगवान। तो जो ये बोलता है उससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं है, ठीक है? जो बोलता है कि भगवान के घर का स्थापना, भगवान सर्वशक्तिमान है, वो हमें स्थापित करता है। तो मतलब आप मोदी को फ्रॉड बोल रही हैं? हम बोलना क्या है, पूरा देश देख रहा है, बहुत बड़ा बयान दे रही हैं आप। विचारधारा है, पूरा देश देख रहा है, सिर्फ धोखा दे रहे हैं, देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और पीछे से देश की संपत्तियों को अडानी और अंबानी को बेच रहे हैं।
बहुत अफसोस की बात है। युवाओं का भविष्य अंधकार में है, महिला सुरक्षित नहीं है, देश की बेटियों का सम्मान नहीं हो रहा है, किसान दुखी है, नौजवान दुखी है, सेना जो सरहदों पर, सेना जो दिन रात हमारी सरहदों की सुरक्षा करती है, वो सेना भी खुश नहीं है, उन्हें भी नहीं छोड़ा गया। तो मोदी जी क्या युग पुरुष नहीं है? धनखड़ साहब ने तो बोला था भाजपा के युग पुरुष है, ठीक है, देश के युग पुरुष नहीं हो सकते हैं। तो 2024 में क्या होगा? बीजेपी के देश के युग पुरुष वो थे जिन्होंने, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर संघर्ष करके देश को अंग्रेजों के हाथों से छीना और हमें आजादी दिलाई। बीजेपी ने पहले कहा कि राहुल गांधी पप्पू हैं, फिर राहुल गांधी को रावण बता दिया। उनका काम ही क्या है अभद्र टिप्पणी करना? पार्लियामेंट में उनके पार्लियामेंटेरियन खड़े होकर गाली देते हैं और हमारे नेता जो विपक्ष आवाज उठाती है, सवाल करते हैं, उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। ये तो रणनीति है इनकी, ये तो बहुत जरूरत क्या है सवाल करने की? में लिखा जाएगा लोकतंत्र की आत्मा है सवाल, लोकतंत्र की आत्मा है सवाल पूछना। और लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब सत्ता पक्ष से आंखों में आंखें डालकर, चाहे कांग्रेस सत्ता में रहे या भाजपा रहे या कोई भी रहे, मीडिया सवाल करे और देश की जनता सवाल करे और विपक्ष जो रहे वो सवाल करे, तभी एक देश सही सलामत रह सकता है, लोकतंत्र मजबूत रह सकता है। नरेंद्र मोदी के खून में लोकतंत्र है। कोई तो बता दे जो पूरे आरएसएस से जो स्वतंत्रता सेनानी है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी हो। वीर सावरकर ने पूरी अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी देश के नाम। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, नहीं किसी को जो मर गए उन पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। पूरा देश जान रहा है कि एक माफीनामा कैसे लिख रहे थे, जहाँ पर देश के लोग शहीद हो रहे थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, वो डर कर माफ़ी मांग रहे थे, माफ़ी पर माफ़ी लिख के मुझे बाहर कर दो। ये क्या स्वतंत्रता सेनानी? स्वतंत्रता सेनानी ऐसे होते हैं? स्वतंत्रता सेनानी तो वो थे जो महिलाएं और पुरुष जिन्होंने अपनी जान भी दी और अपने जो छोटे छोटे जेवर होते थे, बिना रोटी खाए रोटी का हिस्सा काट कर आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए माताएं और बहनों ने जेवर दिया और गोलियां खाई, लाठियां खाए, डंडे खाए, जेल गए, ऐसे माफी नहीं मांगा। तो आप ये कह रही कि नरेंद्र मोदी और अनुराग ठाकुर ये लोग झूठ बोलते हैं? एकदम पूरा झूठ बोलते हैं, झूठी एजेंडा है, पूरे देश को झूठ परोसा जा रहा है, लेकिन देश की जनता समझदार है, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा और अहंकार तो कभी नहीं रहा है। 24 में 400 पार अहंकार बिल्कुल 400 पार नहीं। आप ईवीएम को हटाइए ना, बैलेट पेपर से चुनाव कीजिए, सब पता चल जाएगा, 400 पार या 40 पार करना भी मुश्किल हो जाएगा। ईवीएम तो महा ईमानदार मशीन है। तो देश के, दुनिया के बड़े बड़े देश जो है ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं करवाते हैं? वे लोग बहुत पीछे हैं टेक्नोलॉजी में। अच्छा, भारत बहुत आगे है, अमेरिका से भी आगे। अमेरिका ने बैन कर दिया, चलिए अब ये सब हम ऊपर से ईश्वर से कामना करते हैं, ऊपर वाले से, बिल्कुल भारत, हमारी ये चाहत है एक भारत के नागरिक होने के नाते कि हमारा देश जो है अमेरिका, चाइना और जापान से भी आगे जाए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए कभी मुमकिन नहीं है। चलिए, बीजेपी के रहते देश का विकास नहीं हो सकता, साफ तौर पर जेबा खान कह रही हैं। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार, नेशनल दस्तक, AICC दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।